द क्वेश्चन नंबर आपके 38 क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों का योग त्रिभुज के परिमाप से क्या होता है, कम होता है। यह है त्रिभुज, इधर ध्यान दे, पहले ए बी और क्या दे रखा है आपके सी। इसने क्या कहा है, त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब, पहले इधर ध्यान दो, समझ लो पहले, त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब मतलब एक तो है आपके ये वाला शीर्ष लंब दे रखा है, ये वाली भुजा, दूसरा है आपके इधर से शीर्ष लंब और तीसरा है इधर से क्या दे रखा है शीर्ष लंब। अगर तीनों मध्यकाय होती तो तीनों आपके तीनों एक ही बिंदु पर मिलती, अगर शीर्ष लंब है तो कोई भी भुजा किससे भी मिलेगी नहीं, आप सब क्या होगी आपके अलग अलग होगी, और तीनों अगर मध्यकाय है तो तीनों आपके एक ही बिंदु पर मिलती है। तो देखो ये आपके त्रिभुज है जिसके अंदर देखो पहले ये बता दो, मेरे तीन नाम है आपके, मैंने बताया था ये है आपके डी है, इधर आपके ई है, इधर क्या है आपके एफ है, जो भी पहले क्वेश्चन है उसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें देर का है तीनों शीर्ष लंबों का योग, तीनों शीर्ष लंब मतलब कौन सा, ए डी क्या नाम है, एक तो ए डी, दूसरा क्या नाम है बी ई, तीसरा कौन सा नाम है सी एफ, तीनों शीर्ष लंबों का योग कितना होगा त्रिभुज के परिमाप से क्या होगा, कम होगा। त्रिभुज का परिमाप ये वाला ए बी और मतलब के ए बी भुजा प्लस बी सी भुजा प्लस ए सी भुजा, परिमाप कहते हैं तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं के योग से ये क्या होगा कम, ये कम है और वो क्या है आपके अधिक है, ये करना है हमें सिद्ध करना है। अब देखो ध्यान दो, पहले इधर ये वाला त्रिभुज लेंगे हम जिसका नाम क्या है ए सी डी, क्या लेंगे हम त्रिभुज ए सी डी, हम लेंगे त्रिभुज ए सी डी से, ये वाले त्रिभुज के अंदर कोण डी कितने का है आपके 90 डिग्री, कोण डी दे रखा है आपके 90 डिग्री, कारण क्या है ए डी लंब है बी सी पर, वैसे भी क्वेश्चन में दे रखा है कि तीन शीर्ष लंब है, एक इधर से है, एक इधर से और एक इधर, तीनों क्या है शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब मतलब होता है कि सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी, और मध्य का मतलब होता है भुजाओं को भी दो भागों में बांटना और कोण को भी दो भागों में बांटना, यहाँ ये दो भागों में नहीं बांट रही भुजा को, ये क्या कर रही है केवल यहाँ पर 90 डिग्री क्या बना रही है, केवल कोण बना रही है, क्या बना रही है केवल 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो देखो इस त्रिभुज के अंदर 90 डिग्री कोण है, त्रिभुज के तीनों कोण योग कितना होता है 180, अगर एक कोण 90 आ जाए तो बाकी वाले कोण क्या होंगे 90 से कम होंगे, इसका मतलब क्या हुआ सबसे बड़ा कोण कौन सा है आपके डी, सबसे बड़ा कोण कौन सा है आपके डी, डी कितने का है 90 डिग्री का, हमेशा समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, क्या लिखोगे समकोण त्रिभुज में, किसमें समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा क्या होता है सबसे बड़ी भुजा, कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है, इसका मतलब क्या हुआ ये हमें क्या करना है, किनका नाम आना चाहिए मध्यकाओं का नाम आना चाहिए और भुजाओं का नाम आना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ ये भुजा तो है बड़ी और ये भुजा क्या है छोटी, ए डी भुजा तो है छोटी और ए सी भुजा क्या है आपके बड़ी, इसको मानेंगे हम समीकरण नंबर एक। अब इसी प्रकार वापस देखो, अब ये हटाओ इधर से और अब ये लाइन खींच लो और यहाँ मानेंगे 90 डिग्री का, और अब हम लेंगे ये वाला त्रिभुज जिसका नाम क्या है ए बी ई से, हम कौन त्रिभुज लेंगे ए बी ई से, बार बार ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने क्या लिख दिया है इसी प्रकार, मतलब इसे क्या हुआ ये भुजा छोटी होगी क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण है, तो सामने वाली भुजा क्या होगी आपके बड़ी होगी, ये होगी बड़ी भुजा तो ये कहलाएगी, ये दोनों क्या होगी छोटी, तो हमें नाम चाहिए ये वाला, नाम तो तीन है, ये भी नाम है ये भी है और ये भी है, ये हमें कौन सा नाम चाहिए, एक चाहिए मध्य का, ये शीर्ष लंब चाहिए और ये क्या चाहिए भुजा, तो देखो ये 90 डिग्री कोण है, सामने वाला कर्ण है, कर्ण क्या है आपके बड़ा है और ये बी ई भुजा क्या है आपके छोटी, तो बी ई भुजा तो है छोटी और कर्ण बड़ा है, कर्ण सामने भुजा कौन सी है आपके ए डी, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब इसी प्रकार वापस तीसरा शीर्ष लंब,
अब ये भी हटाओ और अब नाम यहाँ लिखो। देखो इस भुजा का नाम आ चुका है, इस भुजा का भी नाम आ चुका है, तो हम इस भुजा को और इस शीर्षलंब से देखो ध्यान दो यहाँ कितना बनता है। अब कौन सा त्रिभुज है बी सी एफ, त्रिभुज कौन सा हो गया आपके बी सी एफ। इसके अंदर भी ये कौन 90 डिग्री है, तो ये कौन 90 डिग्री सामने वाली भुजा भी क्या होगी आपके बड़ी होगी, ये कर्ण कहलाएगा। और ये कर्ण है तो ये वाला जो भुजा है ये क्या होगी छोटी, और ये भुजा क्या होगी आपके बड़ी। क्या नाम, बी सी बड़ी है और सी एफ क्या है छोटी है, सी एफ तो है छोटी और क्या नाम बी सी क्या है आपके बड़ी है। जो नाम जैसा पहले का जैसा इधर नाम भुजाओं के, तो इधर भुजाओं के नाम लिखेंगे, इधर लंब इधर जो नाम किसके हैं शीर्ष लंब के नाम क्या आएंगे, शीर्ष लंब के मतलब इनके नाम आएंगे ए डी बी और सी एफ के नाम तो आएंगे इधर, और जो बड़ी भुजा उनको नाम आएंगे आपके इधर। जैसा हमने क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसी हिसाब से आपको यहाँ बताना है कि कौन सी भुजा बड़ी है कौन सी भुजा छोटी है। अब यहाँ देखो तीनों को जोड़ रहे, इधर भी जोड़ रहे, हम क्या करेंगे तीनों समीकरणों को जोड़ रहे, हम समीकरण नंबर 1, 2 व 3 को जोड़ने पर तीनों को जोड़ लो। तो देखो इधर क्या है ए डी बी और सी एफ क्या है, ए डी है प्लस बी है प्लस सी एफ, ये तो हो गए तीनों मध्य का है, कोई भी नाम कहीं भी लिख सकते हो। फिर इधर है तीनों भुजाओं का, इसने नाम लिख के नहीं कहा है, तीन इधर तो आनी थी तीनों मध्य का है, इधर आनी थी तीनों ही भुजाएं, कौन कौन सी है ए सी ए बी बी सी, ए सी आ गई प्लस ए बी प्लस बी सी, ये सिद्ध करना था।